नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं पूजा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर में लापता मां को दिनभर खोजने के बाद हताश बच्चा देर रात जब घर पहुंचा तो पिता ने उसे इतना पीटा कि मासूम पिता की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार देर रात अपने पिता की शिकायत करने थाने पहुंचे बच्चे ने बताया कि उसकी मां लापता है और पिता उसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। जब बच्चे से यह सब नहीं देखा गया तो बच्चा खुद मां की तलाश में निकल गया। बच्चा देर रात घर पहुंचा तो पिता ने उसके साथ काफी मारपीट की, जिससे आहत होकर वह अपने पिता की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गया, जहां उसने पुलिस से सारी बात बताई। आजाद नगर पुलिस ने बच्चे का रात में ही MY हॉस्पिटल में मेडिकल कराया और मामले की जाँच कर रही है। कब मारा? 7 बजे। तो काहे के लिए मारा था? वो मम्मी को ढूंढ रहा था मैं, तो बिना फालतू का मारा। काहे के लिए मारा था, कुछ कारण बताया? मम्मी को ढूंढ रहा था, इस कारण मारा उन्होंने कि मम्मी। तो मम्मी कहाँ रहती है? मम्मी का पता नहीं। तो तुम कहाँ चले गए थे? हम सब तो ढूंढ रहे आए थे। इंदौर शहर में प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार रात तुकोगंज थाना क्षेत्र में दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। मामला इंदौर के घंटाघर चौराहे का है, जहां तेज रफ्तार दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिली थी कि इंद्रप्रस्थ टावर पे दो कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ के देखा तो दोनों कार का एक्सीडेंट हुआ है, घायल वाले कोई नहीं। मैम, ये बताना है कि बिना नंबर की गाड़ी भी है और ये आपस में टकराई, कितने लोग सवार थे इसमें? दोनों में दो दो हैं। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं लगी। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज के नीचे एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसे राहगीरों ने देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को MY अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घायल की स्थिति देखकर युवक हम्माल लग रहा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है और युवक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा गया है। शारदा बस स्टैंड के पास में, ब्रिज पुलिया के नीचे से। कहाँ से मिला? माँ शारदा बस स्टैंड के, माँ शारदा ट्रेवल्स के पास में पुलिया के नीचे से वही अज्ञात वाहन टक्कर मार के गया था उसको। तो क्या कुछ नाम हम सामने आया? नहीं, अभी अज्ञात नाम है। इंदौर के खंडवा रोड स्थित आनंदी फर्नीचर में शनिवार अल सुबह आग की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग में लकड़ी से बने सामान जलकर खाक हो गए। खंडवा रोड पर अल सुबह लगी आग की घटना से धुआं उठते देख किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर की टीम घटना स्थल तक पहुंची, तब तक आग में लकड़ी का नया पुराना सामान जलकर राख हो चुका था। आनंद फर्नीचर में लगी आग की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ है। नवागत इंदौर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने शनिवार शाम को राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निगम आयुक्त ने अपने सख्त इरादे प्रकट करते हुए राजस्व वसूली को लेकर बिल कलेक्टर एवं ARO को लगाई फटकार। निगम में कार्यभार संभालते ही इंदौर आयुक्त आशीष सिंह ने राजस्व वसूली को लेकर अपने तल्ख इरादे प्रकट करते हुए बिल कलेक्टर और ARO की जमकर क्लास ले डाली। आशीष सिंह ने इन अधिकारियों को हिदायत दी है कि अगर 7 दिनों में राजस्व वसूली के सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सरकार द्वारा शुक्रवार को एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की गई। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 23 ट्रांसफर किए गए। शिवराज सरकार की प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है। शुक्रवार को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 23 IAS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई है।
रायसेन के सांची ब्लॉक के दीवानगंज कस्बे में बेतहाशा अवैध अतिक्रमण से वहां के आम जन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों प्रशासन ने पंचायत में बैठकर कई अतिक्रमणकारियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन बावजूद इसके अतिक्रमण से पूरा नगर पटा पड़ा है। सांची ब्लॉक के दीवानगंज मुख्य मार्ग पर दुकानदारों ने रोड पर टीन शेड लगा रखे हैं। इस अवैध कब्जे से बाजार में हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में अस्थायी व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। सूत्रों की माने तो 6 माह पूर्व दिवाली के समय अवैध अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम व्यापारी को दिया गया था, किंतु इतना समय बीतने पर प्रशासन ने किसी अतिक्रमणकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश के सिलवानी कृषि उपज मंडी में इस बार गर्मी के साथ अनाज की आवक अधिक होने से किसानों को मंडी प्रांगण में रखना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी सिलवानी में इन दिनों अधिक गर्मी और बारदान की कमी होने के कारण किसानों द्वारा लगाया गया अनाज की तुलाई में परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि सिलवानी जिले की कृषि उपज मंडी में अनाज की बंपर आवक हो रही है, किंतु व्यवस्था के अभाव में किसान परेशान हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया। एक देश सारे प्रदेश।